हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक ही है। तो जी आज का दिन था बुधवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट। तो सुबह का जो है अभी 6 AM के करीब टाइम है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बना लेती है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ईजी हेल्दी एंड सिंपल सा रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है स्पेशली बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 कप सूजी ले लिया था और सूजी को जो है 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद 1/2 कप के करीब मैंने कार्ड ऐड कर दिया था और ऊपर से जो है मैंने थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखा था, जैसे कि टोमेटो, ऑनियन, कैप्सिकम, बीन्स और कैरेट, ये सब मैंने ऐड कर दिया था, छोटे छोटे पीस में कट करके रखी थी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करना है, उसके बाद थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड किया था और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर। तो आप लोग चाहो तो मिर्चा पाउडर की जगह जो है ना हरा मिर्चा भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने नहीं डाला था क्योंकि हरा वेजिटेबल्स के बीच जो है हरा मिर्चा नहीं दिखेगा और सोनू खा लेगा तो बहुत ही तीखा लगेगा, उसको तीखा जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो नहीं खा पाते हैं इसीलिए। और ऊपर से मैंने एक अंडा ऐड कर दिया था, तो अंडा को जो है आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए एक फ्राइंग पैन मैंने बिठा दिया था और ये बैटर को जो है इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है, तो दोनों साइड जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर करके फ्राई कर लेना है। तो बच्चे वैसे वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, बट हम लोग इस तरह से बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाएंगे तो वो लोग इजीली खा लेगा। और ये रेसिपी जो है ना सोनू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया था कंप्लीट और अभी मैं आ गई थी घर का क्लीनिंग डस्टिंग का काम करने के लिए, जैसे होते हैं डेली हम हाउस वाइफ का काम। और ब्रेकफास्ट के बाद ना मैंने लंच भी रेडी कर लिया था। लंच पे ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाई थी मैंने, सिर्फ राइस बनाई थी और उसके साथ दाल और बिंजल भरता बना दिया था। और अभी मैं एकदम रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जो है थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाना है, तो पतिदेव अभी गया है नहाने, तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जो है हम सब हॉस्पिटल जाएंगे। तो सोनू को जो है एक वैक्सीन दिलाना था, तो स्कूल पे जो रूबेला वैक्सीन दे रहा है ना, तो उस दिन सोनू का तबीयत ख़राब था इसलिए स्कूल पर नहीं गया था, वही वैक्सीन देना है आज हमारे खुद का जो हॉस्पिटल है वही जाके। तो देखिए डाइनिंग एरिया को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो ये सब क्लीन करने के बाद ना मैं फटाफट घर पे झाड़ू लगा दूंगी और पोछा ना मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितना सारा टाइम था मैंने सोचा कि घर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, नहीं तो कब आऊँगी पता नहीं। तो आने के बाद जो है और करने का मन नहीं होगा क्योंकि आने के बाद जो है नहाने का ही मन होगा इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरी घर पे पहले झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद चलिए मैं रेडी होके जब निकलूँगी तो आप लोगों से बातें करूँगी। तो हम सब रेडी होके अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। गाइस तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और मास्क लेना भूल गए थे, तो यहाँ पर जो है मास्क भी खरीद लिया है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, तो बेबी को पहले जो है वैक्सीन दिलाना है और उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा चेकअप कराऊंगी। मेरा जो है कुछ दिन से पेट में दर्द हो रहा है इसलिए, तो यहाँ पर जो है बुक्स हम लोगों ने जमा कर दिया है, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाबू यहाँ पे ये वाला कपड़ा पकड़ो, इधर इधर यहाँ पे, हाँ उसको पकड़ के रहो, ठीक है। नाम बता दो, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है? नहीं, स्कूल जाते हो? जाता हूँ। कौन सा, कौन सा स्कूल बोला? इसको पकड़। अच्छा, वो बेबी का वैक्सीन हो गया है और मेरा भी दिखाना हो गया था, तो अभी हम लोग जा रहे थे घर पे। तो गाइस हम लोगों का डॉक्टर दिखाना हो गया है और हम लोग जा रहे हैं घर, है ना बेबी? तो
गाइस अभी जो है 11:30 करीब टाइम हो रहा था और मैं और बेबी दोनों आ गए थे घर पे और पोतीदेव जो है अपने काम पे चला गया है और बेबी अभी बैठ के खाएगा मोटू पतलू है बेबी। हाँ वो गिफ्ट क्या है उसका अंदर? गिफ्ट निकालो, गिफ्ट निकालो। तो मोटू पतलू सॉरी मोटू पतलू के अंदर जो है ना गिफ्ट भी है, तो आप लोग को दिखाते हैं चलिए। तो ये बेलून है तो गाइस चलिए अभी जो है बाकी बर्तन वगैरह वॉश करना है, फिर नहाना है, इसको भी नहलाना है, तो चलिए वो सब कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। हे गाइस तो अभी हम लोगों का नहाना और लंच दोनों ही कंप्लीट हो गया था और सोनू अभी सो गया था, तो मैंने सोचा एक दो काम है जो कंप्लीट कर लेते, ये कपड़े वगैरह फोल्ड करना, घर पे झाड़ू वगैरह देना और उसके बाद जो है मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि आज जो है हम हॉस्पिटल से पैदल ही आ गए थे और हमारे घर से जो है 30 मिनट का ही दूरी होगा, तो सोनू भी जो है पैदल आ गया था तो इसलिए वो सो गया है और मैं भी अभी थोड़ा सा जा रही हूँ रेस्ट करने। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मैं इवनिंग में मिलती हूँ और इवनिंग में ना एक स्नैक्स रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो आज इवनिंग में मैं चिकन पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो गुड इवनिंग गाइस, तो अभी जो है दिया पत्ती सब कुछ हो गया था मेरा कंप्लीट और उसके बाद में आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है हम लोग मिलती पीते हैं, तो यहाँ पर चाय मैंने बिठा दिया है और एक साइड जो है चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था और अभी चिकन पकौड़ा बना लूँगी। तो चिकन के साथ जो है मैंने सॉल्ट और उसके साथ टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्चा पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और उसके साथ थोड़ा सा मैंने जो है कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। तो देखिए चिकन पकौड़ा अभी मैं फ्राई कर रही थी, तो विंटर में स्पेशली जो है ये सब पकौड़ा खाने में अच्छा लगता है और यहाँ पर देखिए चाय भी बन के रेडी हो गया है और पकौड़ा भी बन के रेडी है और उसके साथ ना मैंने फ्रेंच फ्राई भी बनाई थी थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट।